कैसे हैं आप सब लोग। आज वीकेंड है और आज मैं जा रहा हूँ एक मॉल। ये मॉल थोड़ा सा स्पेशल है। इस मॉल को एक यूनिक थीम फॉलो करके बनाया गया है और ये मॉल है ग्रेटर नोएडा में। मॉल का नाम है वेनिस मॉल और वेनिस मॉल से आप समझ पा रहे होंगे कि इसकी क्या थीम है। वेनिस एक सिटी है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है, जहाँ पे बोट्स चलती हैं, तो कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा उस मॉल में। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों वेनिस मॉल पहुंच चुके हैं, पार्किंग में वेट कर रहे हैं और पार्क करके फिर आपको दिखाते हैं मॉल के अंदर क्या क्या सीन्स हैं, कैसे कैसा आर्किटेक्चर है, कैसी शॉप्स हैं। आपने देखा होगा इसका जो फ्रंट है वो तो काफी आलिशान जैसा लग रहा है, तो अंदर से भी वैसा ही है। चलिए चलते हैं। 60 रुपए गाड़ी पार्क कर दी है। एम्पल स्पेस है पार्किंग में, कोई इशू नहीं है, ज़्यादा रश नहीं है। या तो मॉर्निंग का टाइम है इसलिए, या फिर ये मॉल थोड़ा दूर है नोएडा से। मेरे घर से करीब 30 किलोमीटर या 25 किलोमीटर था ये मॉल। ये इसका एंट्रेंस है, यहाँ से पार्किंग अलाउड नहीं है। और ये है जैसे कोई आ रहा है यहाँ से, पैदल वाले तो आ सकते हैं, तो उनके लिए चेकिंग पोस्ट यहाँ पर है। नेहा, जो ये झूमर है, ऐसा ही झूमर लगवाएंगे ना घर में? नहीं। क्यों, अच्छा लग रहा है? नहीं, इसका हाफ कमरा ही नहीं होगा, पूरा कमरे में झूमर। इसके हाफ जितना भी, इसके हाफ जितना भी कमरा नहीं होगा। बहुत बड़ा झूमर है ये। दोस्तों ये कारीगरी देखो आप। हाँ, ये वाली कारीगरी अपने घर में करवाएं। कितने सालों में हो पाएगी? 10 साल। हाँ जरूर, 10 साल। पैसे भी जुड़ जाएंगे। ये देखो दोस्तों, कैसा लग रहा है आप लोगों को? लग रहा है कुछ अलग, कुछ डिफरेंट सा। ये देखो, महल जैसा लग रहा है कि नहीं? तो ये है इसमें स्पेशल। और ये देखो, ये दिखाता हूँ सेंटर पे क्या रखा हुआ है। एक पियानो, बहुत ही शानदार, देखो कितना चमक रहा है। ये देखो भाई, बताओ कैसा लग रहा है आपको? पास जाके तो पता चल जाएगा, लेकिन दूर से गेस करो क्या है। ये है पीसा टावर, जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है ना, वही बना रखा है इन्होंने। देखो लग भी रहा है, नहीं? ये आपको दिखाता हूँ, ये है पीसा टावर, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये है इस मॉल की USP। इन्होंने पूरा पानी से भर रखा है, ये आप पीछे देख सकते हो ये, और यहाँ पे बोट चलती हैं। मोस्टली जो शॉप्स हैं, मुझे लगता है अभी चालू नहीं है यहाँ पे। ऑल्दो इनका आर्किटेक्चर और थीम तो अच्छा है, लोगों को आना चाहिए, बट मुझे लगता है डिस्टेंस और जिस लोकेशन पर यह है उस वजह से ही चल नहीं रहे। बाकी मॉल देखने में अच्छा है, बहुत अच्छा मॉल है। और ये देखो, यहाँ से होती है गंडोला राइड स्टार्ट।
ये पूरा रूट है, उस रूट से लेके पूरा चक्कर लगा के यहाँ तक लेके आते हैं ये। कैसा लग रहा है मॉल? बढ़िया लग रहा है, एकदम मस्त। कैसा बना हुआ है? बहुत सुंदर है दोस्तों। चलो गंडोला राइड के रेट्स पता करते हैं। 300 रुपये पर पर्सन मंडे टू फ्राइडे, और आज है सैटरडे तो 400 पर पर्सन। ये देखो गाइस किस तरीके की राइड हो रही है। म्यूजिक लगा रखा है उन्होंने, म्यूजिक चल रहा है और साथ साथ लगा नहीं रहा है, वो गा रहा है। गा नहीं रहा है, उसमें म्यूजिक सिस्टम लगा उसके पैरों के पास। हाँ वो गा भी रहा होगा, मैं भी वो गाता है। हाँ यार वो गा रहा है, तभी इतना बेसुरा गा रहा है ना। बड़ा अच्छा है, सही है। पलटा तो नहीं देगा ये। ज़िपलाइन है ये? क्या बात है। ये इन्होंने सही स्टार्ट किया यार। देखो साक्षात ऑप्टिमस प्राइम पधार रहे हैं। कूल ऑटोबॉट्स। क्या बना दिया भाई, खुद चला रहा है बंदा। इसका सिटिंग एरिया है, बाकी जो शॉप्स हैं वो उस साइड हैं। अभी लंच टाइम हो गया है तो लंच कर रहे हैं, और हमने क्या मंगाया है, बर्गर और पेप्सी। ये आज की मेरी मील है। हम 3 लोग हैं, 3 बर्गर्स और डाइट पेप्सी। बर्गर्स हैं वीट बन के साथ, तो थोड़ा लो कैलोरीज बर्गर हैं। चलो खाते हैं। लंच हो चुका है, अभी जाने की तैयारी है। लेकिन जाने से पहले एक और चीज़ दिखा देता हूँ, जिस मॉल में काफ़ी अच्छी है, आपको अगर टाइम स्पेंड करना है तो ये एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हो। ये देखो बच्चों के लिए है, और इधर से आप जाओगे यहाँ पे भी एक्टिविटीज़ हैं। जैसे आप देखोगे इधर, देखो ये जो एक्टिविटीज़ है ये आप कर सकते हो। और इवन यहाँ पे जिप लाइन भी है, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाई। तो दोस्तों अब मैं वापस जा रहा हूँ। अच्छा टाइम बीता यहाँ पे, काफ़ी कुछ है करने को। जो भी मॉल में यूजुअली एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब हैं। एक स्पेशल चीज़ है कि यहाँ पे जिप लाइन और ये जो हमारी ब्रिज वाली एक्टिविटीज़ और सब एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है, उसमें आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। और गेम जोन तो है ही, जो हर जगह होता ही है, तो दैट इज़ वेरी नाइस। सो आर्किटेक्चर वाइज बहुत अच्छा मॉल है, देखने में आपको अच्छा लगेगा आप विजिट करोगे तो। और पार्किंग का कोई इशू नहीं है, किसी तरीके की कोई भीड़ नहीं है जैसे बाकी मॉल्स में वीकेंड पर रहती है, कुछ भी नहीं है। तो इट्स अ नाइस मॉल। अगर आप ग्रेटर नोएडा के आसपास हो तो डेफिनेटली आप विजिट कर सकते हो। ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। बाय।